संविधान के जनक के रूप में हम सभी बाबा साहब को जानते हैं। बाबा साहब की जयंती की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के जनक के साथ साथ दलितों के सबसे बड़े नेता और मसीहा के रूप में उन्हें जाना जाता है। सामाजिक समानता और न्याय के लिए निरंतर यात्रा पर विचार और मंथन करते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया। साथ ही साथ बाबा साहब हमेशा सामाजिक उत्थान के साथ साथ शिक्षा पर जोर देते रहे। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति समाज में सुधार ला सकता है, लोगों को एक कर सकता है। उनके कई ऐसे विचार हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। बाबा साहब ने दबे, शोषित, कमज़ोर, मजदूर और महिला वर्ग को सशक्त बनाने के लिए, सामाजिक उत्थान के साथ साथ और समाज में बराबरी दिलाने के लिए कई अहम कार्य किए। उनके अनमोल विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और समाज को सशक्त बनाने का काम भी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यानी किस तरह से आपकी जो बौद्धिक क्षमता है जिसे आप शिक्षा से और मजबूत कर सकते हैं, आप समाज में सुधार ला सकते हैं और हाशिए पर पड़े उस वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकते हैं। संविधान के जनक के तौर पर उन्होंने ये तमाम विचार समाज में रखे। हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस वक्त पहुँच गए हैं संसद भवन में। आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है और यहाँ पर कुछ ही देर में जब कार्यक्रम शुरू होगा, इंतज़ार हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, तो जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ने साफ तौर पर शिक्षा को बहुत महत्व दिया, उन्होंने कानून और व्यवस्था पर भी पुरजोर बात करते हुए अपने विचार रखते समय ये कहा कि किस तरह से आपकी जब कानूनी व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो समाज में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि इतिहास बनाने के लिए हमें इस तरह के काम करने चाहिए जो इतिहास हमें याद रखे। हमारे साथ विकास सारथी जुड़ गए। विकास, हम जब भी बाबा साहब को याद करते हैं तो संविधान जनक के तौर पर उन्हें याद किया जाता है, लेकिन वो बहुभाषी थे। अगर हम बात करें, एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने नाम कमाया और सबसे अहम दलितों के उत्थान के लिए जो काम उन्होंने किया, शिक्षा के महत्व को उन तक पहुँचाया। बिल्कुल आंचल, आप ठीक कह रही हैं। केवल एक नेता के तौर पर, एक राजनीतिक के तौर पर ही नहीं, बल्कि उनकी कई भूमिकाएं आप देख सकते हैं, चाहे वो एक अर्थशास्त्री के तौर पर भूमिका हो, चाहे वो एक राजनेता के तौर पर हो, या एक समरसता लाने वाले, एक समानता की जो पूरी लड़ाई थी उसको लाने की एक भूमिका हो, इन तरह तरह की उनकी भूमिकाएं रही हैं जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। ज्यादातर उनकी जो भूमिका है वो केवल संविधान निर्माण और वहीं उसको लेकर के जो उनके भाषण थे, जो उनके विचार थे, वहीं तक ज्यादा बहस होती है या उस पर चर्चा होती है, लेकिन उनका अर्थव्यवस्था के मामले में भी बहुत बड़ा योगदान था। आप याद करें कि प्री इंडिपेंडेंस उन्होंने रुपए की स्थिति क्या है उस पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी, उस पर एक डिटेल रिसर्च थी उनकी कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है। जहां तक आप बिल्कुल संविधान की बात करें तो ड्राफ्ट कमेटी के वो अध्यक्ष थे, तो उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि जो भी प्रपोजल आते थे, जो भी प्रस्ताव आते थे, उन पर अंतिम निर्णय एक तरीके से ड्राफ्ट कमेटी को लेना होता था जी। और इसी में जो विकास, आपको दो मिनट रुकना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन प्रांगण में पहुंच चुकी हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती का ये कार्यक्रम है। साथ ही साथ हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, प्रधानमंत्री को और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी देख सकते हैं। तमाम सांसदगण भी यहाँ मौजूद हैं। Thank you.